अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अल्लाह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह वो वर्ड है जो कैलीग्राफी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला वर्ड है। हर बंदा चाहता है कि इसको लिखना सीखे या लिखे। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसका एक एक पार्ट हम लोग अलग अलग से मैं आपको सिखाऊँगी, ऐसा कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। जो सबसे पहले इसका जो पार्ट है ये लाम, हम लोग इस तरह थोड़ा सा टेंट करके लिखेंगे। ये इसका ताज बनाएंगे, अलग से ताज बनाना सिखाती हूँ आपको। बाद में हम लोग इसको आपको मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये ला है और साथ ये ताज बनाया, जैसे कि डबल पेंसिल से आपको लिख के उतारते हैं यही वाला लाम। अगर आप डबल पेंसिल से अल्लाह लिखना चाहते हैं तो भी बहुत इजी है, दो पेंसिल्स जोड़ें और उससे लिखें। और उसके बाद ये ऊपर ताज बना दिया, ताज एक नुक्ते जितना लंबा करेंगे और आगे आधे नुक्ते जितना उसके नोक बना देंगे ये ऐसे। अब जो अल्लाह का ये लाम है, अलिफ़ सात नुक्तों पे होता है, इसी तरह ये जो बाकी वर्ड है इसके बाकी जो लेटर्स हैं हम लोग उनको चार कत में कंप्लीट करते हैं। तो ये हम लोगों ने ये उसके ऊपर ताज बना दिया। अब ये पेंसिल से लिखा हुआ आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ये चार नुकात पर बना है। इसके बाद हम ये बाकी का पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट के बाद ये हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट है, यही जो हमने अभी लिखा है इसको मैं डबल पेंसिल से रिपीट किया, उसके ऊपर हम लोग दोबारा से कलम से लिखेंगे। ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं आप लोगों को प्रोमिनेंट करने के लिए कलम के नोक से इसको प्रोमिनेंट कर देती हूँ। जो बैक पार्ट पर हमने किया है लाम के बाद वाला पार्ट, ये हम लोगों ने वो लिखा है। इसके बाद ये थर्ड पार्ट जो है वो ये लिख रहे हैं हम लोग। ये ऐसे अगर इसको देखा जाए तो ये अंडे की शक्ल का बनेगा। इसका जो ये थर्ड पार्ट है ये पिछले पार्ट से एक नुक्ता नीचे तक होगा, एक कट के बराबर नीचे होगा। ये मैं जो पेंसिल से लिखा था उसको प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि आपको इसे नज़र आए। ये हमारा अल्लाह का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट करेंगे, इसको फिर से डबल पेंसिल से, या अगर आप डबल पेंसिल से लिखना चाहें तो भी यही तरीका है कि आप इस तरह डबल पेंसिल से लिखें, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा कभी आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को सेव करके बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका भी ये लेटर बहुत अच्छा से लिखा जाएगा। ये है लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट भी पिछले पार्ट से एक कत के बराबर नीचे होगी, जो कोना बन रहा है नोक बन रही है ये एक कत नीचे होगी। फर्स्ट में ये किया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये एक कत के बराबर आ गया। अब हम कम्प्लीटली एक बार इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, कम्प्लीट अल्लाह लिखने का तरीका।
अलिफ, ये तो आपने खते सुलस में अलिफ तो सीखा ही है। ये तकरीबन डेढ़ कद जितना होगा आपका अलिफ का ताज। नेक्स्ट ये जो हम लोगों ने सारे पार्ट ऊपर किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उन्हीं को हम सबको जोड़ के लिख लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड थोड़ा सा ऊपर होगा ज़रा सा। नाउ थर्ड पार्ट, बहुत ही आराम से ये वीडियो एक्चुअली तेज़ की हुई है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से लिखा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्लो वर्ड लिखना है। ये एक नुक्ते के बराबर, ये होगा डेढ़ नुक्ता, सॉरी कत इसको कहते हैं, ये दो कत के बराबर और ये डेढ़ कत के। आखिर यहाँ पर एक कत आएगा और ये पार्ट थोड़ा सा नीचे होगा, इसको ऊपर करेंगे और ये भी एक कत के बराबर नीचे होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।